ए बाबू, बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू, अब हमारी बारी आ जाती है बरकचा चढ़ाने के लिए। तो सब बाबू बाबू गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। संतोष बैकपैकर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं अपने मौसी जी के लड़की का बरकछा लेकर और यहां पर हमारे भाई साहब लोग भी साथ में आए हुए हैं। अभी हम लोग पंडाल में बैठे हैं और यहां पर हम पानी वानी पी रहे हैं। हमारी बारी आ जाती है बरकछा चढ़ाने के लिए। तो सभी भाई लोग अपने अपने हाथों में एक टोकरी फल लेकर आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारे मौसा जी जो है गाइड करते हैं कि कहाँ पर इस फल को रखना है, जहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम भी सेब की टोकरी लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि कहां पर इसे रखना है। लगता है यहीं पर रखना है, तो यहीं पर हम लोग सारे फ्रूट जो हैं रखेंगे और सभी लोग चारों तरफ से बैठे हुए हैं। इसी पंडाल में जो है दूल्हे राजा आएंगे और उन्हें बरकछा चढ़ाया जाएगा। हालांकि यहां पर अभी धीरे धीरे फल जो है पूरी तरीके से आ रहा है, सभी लोग लेकर आ रहे हैं। यहां पर देखिए धीरे धीरे हल्के हल्के कदमों से लेकर हमारे भाई साहब लोग, कोई तरबूज ले रखा है, देखिए वहां पर बड़े से तरबूज ले रखे हैं हमारे भाई साहब, और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी लोग यहां पर फ्रूट रख रहे हैं। यहां पर अच्छे तरीके से डेकोरेट किया गया है पंडाल को, पंडाल नहीं एक मंडप जैसा बनाया गया है जिसमें सभी लोग बैठे हुए हैं। और यहां पर देखिए सारा सामान रख दिया गया है और सभी लोग यहां पर रख भी रहे हैं। अभी जो भी सामान, फल फ्रूट मिठाई जो देना था, वो सारे सामान हम लोगों ने लाकर मंडप के किनारे पर रख दिया है और यहाँ पर बरकछा चढ़ाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर हमारे भाई साहब जो है काले कोट पैंट में यहाँ पर बैठ रहे हैं, यही जो है बरकछा चढ़ाएंगे। अभी हम लोग जीजा जी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी दूल्हे राजा जी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो कब आएंगे। और थोड़ा वक्त है, हो सकता है अभी तैयार और हो रहे होंगे। तो अभी उनका वक्त आ चुका है आने के लिए। देखिए यहाँ पर अब निकल रहे हैं वो अपने घर से और कैमरामैन जो है उस पर एकदम फोकस कर रहा है और हम भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इंतजार में ही बैठे थे, लेट हो गया था तो हम लोग इंतजार ही कर रहे थे। तो जीजा जी आ चुके हैं और जीजा जी जो है साइड से अंदर की तरफ आएंगे। तो अंदर की तरफ देखिए उस साइड से आ रहे हैं और सभी लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। तो वो अंदर की तरफ आएंगे तभी बरकछा जो है हमारे भाई साहब उनको तिलक करेंगे और चढ़ाएंगे। तो फिलहाल वो सभी को नमस्ते कर रहे हैं, हम भी उनको नमस्ते किया और उसके बाद जो है उन्हें बैठने के लिए कहा गया था। हालांकि उनको बैठना नहीं था, उनको खड़ा रहना था क्योंकि जो यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं गौतम बुद्ध जी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो उन पर माल्या अर्पण करना है। यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि माला देंगे उन्हें माल्या अर्पण करने के लिए। तो जीजा जी जो है दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उसके बाद जो है माल्या अर्पण करेंगे गौतम बुद्ध जी को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ये माला पहना थमा रहे हैं, उनको जीजा जी पकड़ चुके हैं अपने हाथों में और यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर इन्होंने माल्या अर्पण किया है। सभी ने क्लैपिंग किया और यहाँ पर इसी तरीके से करके ये माल्या अर्पण करेंगे दोनों तस्वीरों। हालांकि कुछ मेंबर जो है हमारे पीछे छूट चुके थे तो अभी वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उन लोगों को जगह दिया जा रहा है बैठने के लिए। हालांकि ये हमारे मौसा जी के भाई के लड़के लड़कियां हैं तो यहाँ पर उन लोगों को जगह दिया जा रहा है। हालांकि जगह थोड़ी कम थी तो हम लोग फ्रूट जो है साइड में लगा दिए और उन्हें बैठने के लिए जगह दिए, तो हालांकि वो लोग प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाए। कार्यक्रम शुरू हो चुका है, हमारे मौसा जी जो है पुष्प अर्पित करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और चारों तरफ से उनका फोटो खींचा जा रहा है और यहाँ पर कैमरा वालों की लाइन लगी हुई है और सभी लोग फोटो और वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर हमारे मौसा जी के स्वागत के लिए यहाँ पर उन्हें हार पहनाया गया और उनसे गले मिल रहे हैं, बड़े प्रेम से ही गले मिला जा रहा है। और यहाँ पर गले मिलने के बाद अपने गले का माला नीचे रखकर उसके बाद बैठ जाया जाता है और उसके बाद बारी आती है हमारे मौसा जी के भाई साहब की और वो आते हैं पुष्प अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करने के बाद चले जाते हैं। अब बारी है हमारे मामा के लड़के बब्बन, बब्बन आ चुके हैं और बब्बन जो है यहाँ पर पुष्प अर्पित करेंगे। इन्हें सजेस्ट किया जा रहा है कि तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बब्बन सोच रहे हैं भैया क्या करना है, तो पुष्प अर्पित किया जा रहा है यहाँ पर प्रेम पूर्वक। उसके बाद हमारी बारी आती है, हम भी जाते हैं सम्मान पूर्वक पुष्प अर्पित करते हैं और पुष्प अर्पित करने के बाद वहां से सम्मान पूर्वक बाहर की तरफ निकल। तभी आदेश आता है कि जो जो कुर्सी पर बैठा है वो धीरे धीरे खड़ा हो जाए, सभी धीरे धीरे करके खड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो कार्यक्रम चालू होता है, यहाँ पर बाबू को फूल अर्पण करने के लिए भेजा जाता है। बाबू को समझ में नहीं आता है, वो सीधे अपने जीजा जी के हाथों में फूल रख देता है, उनके जीजा जी उठकर उस फूल को अर्पण करेंगे और यहाँ पर बाबू का बाल बिगड़ जाता है। बाबू बाबू आओ, बाल बना देते हैं ना, आओ ना बाबू आओ ना।
अब सामान देने की बारी आ जाती है और धीरे धीरे करके जीजा जी को सारा सामान दे दिया जाता है। यहाँ पर बाबू भी सामान देता है जीजा जी को और उसके बाद खड़े होकर स्ट्रेट होकर एकदम फोटो खिंचवाता है। बाबू फोटो खिंचवा लेता है। उसके बाद मौसा जी यहाँ पर गिफ्ट देते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग सामान लेकर आए होते हैं, फल से लेकर फ्रूट तक, सभी इन्हें दे दिया जाता है एक एक करके। यहाँ पर देखिए हमारे भाई साहब जो है नारियल दे रहे हैं और बाबू भी फोटो खिंचा रहे हैं। बाबू इसको भी पकड़ो बाबू। हाँ बाबू, अरे इधर देखो बाबू बैठ गया। जितना भी हम लोगों ने सामान लेकर आ रखा था, फल, मिठाई और जितनी भी चीजें थी, सभी एक एक करके सभी लोग मिलकर उनको दे देते हैं। और देने के बाद अब देने के बाद भाई फ्रूट खाने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर देखिए फ्रूट बांटा जा रहा है। भाई साहब हमको भी दे दो। अरे हमको भी दे दो भाई साहब, लगता है हमको नहीं मिलेगा। भैया देखो लेके चला गया भाई। देखो हमारा भाई साहब को मिल गया है। चलो भैया खाओ खाओ खाओ, देखो कैसा टेस्ट लग रहा है। हाँ भैया टेस्ट करना, आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? ये मेरा नहीं है, ये इन्हीं का है, कैमरामैन वाले भैया। सभी लोग यहाँ पर फ्रूट खाने में लगे हुए हैं लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, हम इंतजार कर रहे हैं। बाबू अभी यहाँ पर आ चुका है फ्रूट और हम भी लेने के लिए यहाँ पर लाइन में खड़े हो चुके हैं। अरे भैया हमको भी दे दो। अरे भैया एक दे दो। अरे दे दो आज। चलो मिल गया भाई साहब, मिल गया भाई। ए बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू फ्रूट खाने के बाद यहाँ पर खाना खाने की व्यवस्था होती है लेकिन यहाँ पर हमको जगह नहीं मिलती है, इसलिए हमें वेट करना पड़ता है। हम लोग चले जाते हैं, बैठ कर इंतजार करते हैं कि देखते हैं कब तक हम लोगों की बारी आती है, क्योंकि सारी सीटें जो है कवर हो चुकी थी। तो यहाँ पर हम बैठकर थोड़ा इंतजार करते हैं। फाइनली हमें सीट मिल चुकी है और यहाँ पर हमारे लिए खाना परोसा जा रहा है। यहाँ पर मछली बनी हुई है और हमें नान परोसा गया है। अभी फिलहाल गिलास लेकर आ चुका है भाई साहब और यहाँ पर मस्ती के साथ हम लोग सारे भाई लोग इकट्ठा ही बैठे हुए हैं खाने के लिए। और यहाँ पर मछली जो है परोसी जा रही है, किसी को मुंडा दिया जा रहा है तो किसी को पीस दिया जा रहा है। हमने भाई साहब से बोल दिया, भाई साहब देखिए हम मुंडा नहीं खाते हैं, मतलब मछली की मुंडी नहीं खाते हैं, आप उसका पीस देना होगा तो दे दीजिएगा। यहाँ पर सभी लोग हमारा मज़ा ले रहे थे कि तो आप मुंडी खा लो मुंडी। हमने कहा भाई देखो ध्यान से देना, क्योंकि वो खा नहीं पाता हूं इसलिए मैं उसे खाऊंगा नहीं। हमारे गांव समाज में जब भी किसी का तिलक या किसी की शादी होती है तो उसमें अगर आप कहीं जाते हैं ना, तिलक या बरक्षा या किसी भी शगुन में, तो वहाँ पर औरतें जो है ना गीत के माध्यम से गाली देती हैं। हालांकि ऐसी सी गाली देती हैं कि अगर वो सही में गाली दिया जाए ना, अगर फेस टू फेस, तो वहाँ पर झगड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर गालियाँ जो है एक संस्कार माना जाता है, तो उसे सुनने के लिए सभी के अंदर ताकत होनी चाहिए। यहाँ पर हमें भी गाली दी जा रही है। आपने गाली सुना, इससे भी खतरनाक गाली दी जाती है। हालांकि मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, इतनी खतरनाक गाली है। हालांकि यहाँ पर वीडियो कैमरा वाला हम पर फोकस कर रहा है, वो कह रहा है तुम्हारा अजीब ही है, तुम फ्लैश लाइट चालू कर मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो। हमने कहा क्या करें भाई साहब, ये मेरा काम है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि मैं सैलड मांगा बस उनसे खाने के लिए। हम लोगों ने सलाद लेकर आया टोकरी भर के और मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर सलाद रख दो, क्योंकि ज़्यादातर मुझे सलाद खाना पसंद है और सलाद जो है डाइजेशन में काम आता है। तो भाई साहब को एक्स्ट्रा हो गया था तो भाई साहब ने मेरे में थाली में डाल दिया, तो फिर उसको भी मैंने खाया। हालांकि सलाद खाना हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा सेहतमंद होता है। और शेरू क्या हालचाल? अरे मछली उछली खाए कि नहीं? अरे कुर्सी तोड़ दी। चलिए हाथ हाथ मिला लेते हैं। नमस्कार जीजा जी, फिर मिलेंगे, चलते हैं हम लोग। और पूरी तरीके से काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम घर की तरफ निकलने वाले हैं। पहले गाना बजाती हो तू, अपनी गाड़ी में जा बैठा। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और हमारी गाड़ी जो है निकल पड़ी है अब लेकर जाने के लिए। फिलहाल हमारा भाई साहब जो है आ चुके हैं बैठने के लिए। तो चलो चलो पीछे बैठो, पीछे पीछे, यहाँ पर जगह खाली नहीं है। तो भाई साहब हमारे पीछे बैठने वाले हैं और हमारी तो गाड़ी चल चुकी है, खत्म हो चुकी है। हम लोग गए थे अपनी बहन का, जिसे हम बरक्षा बोलते हैं, वो समाप्त हो चुका है और हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी भाई लोग बैठे हुए हैं, एक भाई साहब हमारे ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर। और पपन जी क्या हाल चाल? बढ़िया ना? मछली कितना खाए? एक पीस, दो पीस,
तीन पीस का है, एक नान का है। अतुरा भी कितना खिला, तू कितना देखभाल खिला, कितनी खेला।